आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीगो एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो इस एप्लीकेशन से हम फ्लाइट टिकट कैसे बुक करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लॉगिन स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो यहाँ पर, और लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फेसबुक से भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो और अपने ईमेल से भी आप जो लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और गाइज लॉगिन करने के बाद अगर यहाँ पर हमें फ्लाइट टिकट बुक करना है तो उसके लिए फ्लाइट्स वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर हमें टैप करना होगा। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हो हमें वन वे राउंड ट्रिप एंड मल्टी सिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वन वे के अंदर क्या होगा, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हो तो यहाँ पर वन वे सेलेक्ट करेंगे, और राउंड ट्रिप के अंदर क्या होगा कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हो और वहाँ से वापस आना चाहते हो तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट कीजिए। एंड मल्टी सिटी के अंदर क्या होगा, जैसे एक सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे अलग अलग सिटी जाना चाहते हो तो आप मल्टी सिटी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं एक ही साइड जाने वाला हूँ, वन वे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद फ्रॉम के अंदर आपको वो सिटी सेलेक्ट करनी है जहां से आप अपनी फ्लाइट लेना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर जो है अहमदाबाद से अपनी फ्लाइट लेने वाला हूं तो मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करूंगा। तो अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट रहेगा वो आ जाएगा। और टू के अंदर आपको वो सिटी सेलेक्ट करनी है जहां पर आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है मुंबई जाने वाला हूँ तो मैं यहाँ मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आपको मिलेगा डिपार्चर डेट, तो कौन सी डेट को आप जो है फ्लाइट लेना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर 12 सितंबर सेलेक्ट करूँगा, 12 सितंबर को मैं जाने वाला हूँ तो मैंने अपनी डेट सेलेक्ट कर ली। अब पैसेंजर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके ऊपर टैप करके आप कितने पैसेंजर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो एडल्ट के अंदर मैं एक ही हूँ, कोई भी और दूसरा साथ में नहीं है। और नीचे की साइड में जो आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है तो मैं इकोनॉमी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो टिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर सर्च फ्लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप जितनी भी फ्लाइट रहेगी सभी को देख पाएंगे, कितने टाइम में कौन सी फ्लाइट कब पहुँचा रही है, सब उसका जो है टाइम वगैरह आप देख पाएंगे। उसकी प्राइस वगैरह सब कंपेयर करने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी फ्लाइट आपको सेलेक्ट करनी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो है फ्लाइट में यहाँ पर सबसे ऊपर वाली फ्लाइट, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर टैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बुकिंग के ऑप्शन हमें मिलेंगे, जितने भी जो एजेंट्स रहेंगे वो सारे यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे, जिस भी वेबसाइट के थ्रू आपको टिकट बुकिंग करना है आप जो कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे सबसे जो सस्ती टिकट है वो यहां पर जो है हैप्पी फेयर्स वाला जो है, इसी से हम यहां पर जो है फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं जो सबसे सस्ता है। लेकिन गाइस नीचे की साइड है अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि गाइस मैं यहां पर जो है देख सकते हो trip.com से अपनी जो है टिकट बुक करने वाला हूं, क्योंकि गाइस यहां पर जो है ये जो ऊपर की कंपनी है इनसे मैंने कभी जो है टिकट बुकिंग नहीं किया तो मैं यहां पर इन्हें सेलेक्ट नहीं करूंगा। ये सस्ते है लेकिन सेलेक्ट नहीं करूंगा। आप करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहां पर trip.com को सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे यहां पर हम trip.com सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने जो है आप देख सकते हो trip.com की जो वेबसाइट है वो हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हमें देखेंगे प्राइस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर हमारी प्राइस यहाँ पर शो हो जाएगी। एंड यहाँ पर नीचे की साइड में इसके टैक्सेस वगैरह जो भी लगने होंगे वो सारे यहाँ पर लगे हुए हमारे सामने हमें देखने को मिलेंगे, और टोटल प्राइस हमारी जो भी रहेगी वो हमारे सामने आ जाएगी। 2914 हमारी टोटल प्राइस है। अब नीचे की साइड में हम देखेंगे कन्फर्म वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जो है कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और अपनी जो पैसेंजर डिटेल है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव डिटेल वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। और अगर और भी पैसेंजर है तो ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके और भी पैसेंजर की डिटेल आप जो ऐड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आप देखेंगे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये आपको एंटर करना होगा, जिस पर आपकी जो बुकिंग रहेगी वो सेंड की जाएगी, ठीक है। आपकी बुकिंग जो टिकट रहेगी वो इस मेल पर आपको सेंड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको कोई अगर प्रोमो कोड्स मिल रहे हैं, कोई ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो यहाँ पर सारे जो है शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने डिटेल फिल करने के बाद ये आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और आपकी जो प्राइस वगैरह रहेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसिलेशन गारंटी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर आपको पर पर्सन 699 रुपी पे करने होंगे, जिससे आपका जो है रिफंड हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करते हैं टिकट तो यहाँ से आप जो रिफंड कर पाएंगे, ठीक है। और अगर 80% रिफंड चाहिए तो यहाँ पर 599 का प्लान ले सकते हो, जिसके अंदर पर पर्सन आपको 599 पे करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आप कैंसिल नहीं करना चाहते, आप जो है परफेक्ट, आपको जो है आपको पता है कि आप अपना
अपना जो है ट्रिप करना ही चाहते हो तो आपको जो यहाँ पर नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो थैंक्स के ऊपर क्लिक करूंगा जिससे मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विस पैकेजेस का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ पर आपको मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो इसे भी यहाँ से नो थैंक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपकी प्राइस शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली पे वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप अपने कार्ड से जो पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना बैंक का जो कार्ड नंबर है वो एंटर करना है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, एक्सपायरी डेट एंड CVV कोड ये आप एंटर करना है। उसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे पे विथ न्यू कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके आप अपना जो OTP वेरीफाई कर लीजिए, अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट जैसे ही कन्फर्म होगा उसके बाद आपकी जो फ्लाइट टिकट रहेगी वो सक्सेसफुली जो है बुक हो जाएगी। तो गाइज मुझे यहाँ पर टिकट बुकिंग नहीं करना, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा था कि किस तरह से आपको जो फ्लाइट टिकट बुक करनी है, ठीक है।